दोस्तों नमस्कार मेरा नाम है राहुल अत्री और आप देख रहे हैं मेरा YouTube और Facebook चैनल मिस्टर राहुल अत्री के नाम से तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं मैं कहा खड़ा हूँ मेरे पीछे आप भैंस वगैरह देख रहे होंगे वाल डेयरी फार्म तो यहाँ के जो मालिक हैं वो मेरे साथ हैं मैं उनके बारे में थोड़ा परिचय करवा दूँ आज के टाइम में हरियाणा का पशुपालन विभाग में सबसे बड़ा चैनल है संसनीवाल डेयरी फार्म के नाम से आप देख सकते हैं उनकी कहानी बताएंगे आप लोगों को कि कैसे अपने काम को ऑनलाइन लेके आए और इस जो फील्ड है पशुपालन विभाग की जो फील्ड है हरियाणा में ही नहीं पूरे नॉर्थ इंडिया में डंका बजता भाई के नाम का मेरी आपसे गुजारिश है वीडियो को लास्ट तक देखना बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी आपको जो आपके करियर के काम आ सकती है हमने पहले भी आपको एक वीडियो दिखाई थी कि कैसे एक लोहे के मिस्त्री ने अपनी अपने पैसे को ऊपर लेके गए सिर्फ यूट्यूब के दम पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के दम पे उसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आप जाके देख सकते हैं तो देरी ना करते हुए सुरेंद्र भाई का मैं अपने राहुल थ्री यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत करता हूँ राम राम भाई जी राम 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 कैसे है बहुत बढ़िया जी तो सुरेंद्र भाई ये आपका डेयरी फार्म है गांव है विलेजपुर हाँ गांव का नाम पूरे भाई साहब हमारा और तहसील भवानी खेड़ा जिला जिला विचार कहाँ से आया कि मैं अपने काम को ऑनलाइन लेके आऊँ डंका तो भाई साहब क्या बता रखा है बस भाइयों का सहयोग है जितने भी भाई जुड़े रहते हैं साथ में उन्हीं का अच्छा हम बाहर चलेंगे वहाँ के थोड़े यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा है तो वहाँ चल के भाई से बात करते हैं तब तक बने रही आप मेरे साथ ठीक है एक बार और राम राम कर दोस्तों सभी को राम राम भाई देखने वाले भाइयों को और एक बात छोटी सी कहना चाहूंगा यूट्यूबर भाइयों को अप्रिसिएशन की जरूरत होती है और वो अप्रिसिएशन मिलता है वीडियो की लाइक से और सब्सक्राइबर से भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई आपकी डेयरी कब से है ये मैं जानना चाहूँ डेयरी को तो भाई साहब लगभग तेरह साल हो चुके हैं तेरह साल ही हो गए तेरह चौदह साल उससे पहले मेरे पिताजी करते थे डेयरी आप तेरह साल से कर रहे हो ऑनलाइन आने का कैसे दिमाग में विचार आया ऑनलाइन का विचार जैसा कि मैं काफी बार कई वीडियो में बताता हूँ पहले फेसबुक आया थोड़ी एक एक फोटो लगा देते थे तो उससे बहुत सारे पंजाब के भाई जुड़े साथ में फिर यूट्यूब पे थोड़ा पता चला भी, यूट्यूब भी कोई प्लेटफॉर्म है जिसपे वीडियो डालते हैं लोग तो बिना साउंड की वीडियो आती थी उस टाइम पे अपनी जैसे कोई दस सेकंड की बीस सेकंड की क्योंकि एक जी पूरे महीने चलाना होता था डाटा तो कोई दस सेकंड की बीस सेकंड की वीडियो डाल दी उस पर कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया डेयरी का नाम लिख दिया तो इस टाइप से वीडियो आती थी जब से जियो शुरू हुआ ना इंडिया में तभी यूट्यूबरों की बाढ़ आई है जैसे आज तो ये मान के चलो जो काम मेरे जैसे भाई जिस टाइम पे शुरू किया उस टाइम पे दो चार करने वाले थे आज तो मेरे ख्याल से दो चार हज़ार होंगे अच्छा तो मैं एक बार एक बात जानना चाहता हूँ कि स्टार्टिंग से जब आपने यूट्यूब पे इसको लेके आए तो कोई अर्निंग के बारे में या फिर सब्सक्राइबर लाइक के बारे में कुछ पता था या फिर वैसे से यूट्यूब नहीं यूट्यूब से पैसा कमाने का कोई उच्च... मेरा ये नहीं था कि मेरे को पैसा ही कमाना है इससे मेरा जो यूट्यूब पे आने का मकसद था सबसे पहले तो जो अपनी बहसें होती हैं उनको रिप्रेजेंट करना और फिर जो है आ, जो मेरे सर्कल के जो भाई हैं मेरे साथ जुड़े हुए थे धीरे धीरे जैसे लाख एक सब्सक्राइबर हो गए तो फिर ये हुआ कि अपने काम के साथ साथ और भाइयों के काम को भी उसके ऊपर रिप्रेजेंट करना तो मेरे जो सर्कल के भाई थे पशुपालक हैं पशुओं के ब्रीडिंग पे काम करते हैं फिर उनकी वीडियो आनी मैंने डालनी शुरू कर दी फिर धीरे धीरे उससे कमाई भी होने लगी लेकिन कमाई के बारे में कमाई के बारे में कहाँ से पता चला आपको यहाँ से कमाई भी होती है कमाई तो देखो भाई बात ऐसे है वाणी में है अपने मित्र एक तो गांव के हैं उन्होंने बताया कि भाई वो ये दिलेर खरगिया जी के गाने गुने उस टाइम दिलेर शुरू ही हुआ था आना गाने गुने इसके तो वो उसका काम देखते थे तो वो बोले यार ये तो आपका चैनल तो मोनिटाइज़ हो चुका है पहले ही जो मैंने एक वीडियो उसमें दो तीन मिनट की डाल रखी थी और उस वीडियो पे लगभग मेरे ख्याल से तीन लाख व्यूज़ थे तो बोले ये तो मोनिटाइज है इससे पैसे भी कमा सकते हो फिर उन भाइयों ने गाइड किया उसके बाद अपना छोटा भाई है गाँव से ही आकाश आकाश शर्मा तो फिर उस भाई ने भी बताया कैसे एडिटिंग करनी है फिर उसी ने आज कल भी वही अपना सारा चाहे फेसबुक पेज है इंस्टाग्राम अकाउंट है फेसबुक का यूट्यूब का चैनल है चाहे एक है चाहे दूसरा भी है अपना एक छोटा चैनल भी है तो सारे वही हैं मैं तो एक खड़ा खड़ा हूँ मेरे पीछे जो मेरी रीढ़ की हड्डी है वो चाहे मेरे यूट्यूब के काम को आकाश कह लो डेयरी फार्म के काम को मेरे काम करने वाले आदमी या मेरी फैमिली कह लो अगर सीमन बैंक की बात करूँ तो वो तो सारे भाइयों का ही सहयोग है उसमें तो, तो अगर फिलहाल के टाइम की बात करें तो कमाने के जरिए क्या क्या है कमाई तो देखो आजकल तो आज से अगर दो साल पहले की बात करें तो यूट्यूब से अच्छी कमाई होती थी लेकिन फिलहाल तो बस खर्चे पानी चलने वाली बात है डेयरियों अपनी पशुपालक का पशुपालन का काम है भैंस बेच ली कोई दूध बेच लिया थोड़ी उससे हो जाती है थोड़ी यूट्यूब से हो जाती है यहाँ से थोड़े पैसे कमा के सीमन बैंक शुरू किया है अभी उसमें लगाई लगा रहे हैं कमाई उसमें शुरू नहीं हुई है तो उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते क्या कमाएंगे अच्छा सीमन बैंक वाली वीडियो के बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे तो एक अलग सी वीडियो आपके पास आएगी तो फिलहाल हम बात करेंगे पशुपालन विभाग की और भाई के यूट्यूब चैनल की तो यूट्यूब चैनल की आपकी बहुत सारे दर्शक जानना चाहते हैं कि

बहुत सारे जो बेरोजगार भाई हैं वो यूट्यूब पे मान के चलो अपना फ्यूचर देख रहे हैं तो इसी हिसाब से काम तो बटता ही है देखो आजकल लोगों में क्या है मैं कि जितने यूट्यूबर हैं मतलब जितने व्यूअर हैं उनसे ज्यादा यूट्यूबर हो गए हैं ऐसा कुछ नहीं है अगर आप अपनी फील्ड में जाओगे और बेस्ट देने की कोशिश करोगे तो आप भी एक अपना मुकाम हासिल कर सकते हो तो हमारा जो वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था आपके पास आने का कि दर्शकों को ना मोटिवेशन मिले कि कैसे अपने काम को आप ऑनलाइन लेके आओ और उस ऑनलाइन से कैसे अपने जो बिजनेस को आप इलाज कर सकते हो तो जैसे स्टार्टिंग में आप यूट्यूब पर वीडियो डालते थे वीडियो डाली पशुपालन था तो अपने बिजनेस को कैसे बड़ा किया आपने सोचा कैसे मैं इस बिजनेस को बड़ा करूंगा देखो भाई बात ऐसे है अपने को जमाने के जो जैसा मान के चलो जमाना चल रहा है ना उसके हिसाब से चलना पड़ेगा अब आप पुराने तरीके से चले गए तो पीछे रह जाएंगे तो जैसे फेसबुक है आज इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी सारे लोग काम करते हैं फेसबुक यूट्यूब इंस्टाग्राम तीन प्लेटफॉर्म आज अपने इंडिया में ऐसे हैं जिसपे कोई भी काम अपने अपने को बहुत आगे तक लेके जा सकता है बहुत सारे आप देखते हैं कपड़े की मार्केटिंग करने वाले छोटे छोटे बच्चे भी लाखों रुपए कमाते हैं फ़ौरन तक उनके कपड़े जाते हैं आजकल ऐसा तो है नहीं कोई सामान भेजना कोई ज़्यादा मुश्किल का काम हो तो जो भाई देखो यूट्यूब या फेसबुक पेज पे जब वीडियो डालते हैं या वीडियो बनाते हैं मैं तो एक ही बात कहूंगा वो केवल और केवल इस तरीके से ना आए कि भाई हमें यहाँ से पैसा ही कमाना है बिजनेस वाले तो चलो कर सकते हैं भाई वो पैसा कमाना है लेकिन अगर जैसे आप कंटेंट बनाते हो ये भी हमें कोई किसी का भी इंटरव्यू करना है तो उस काम के लिए अपना डेडिकेशन होना चाहिए उसमें आपको भी ये लगन होनी चाहिए कौन आदमी क्या कर रहा है कि उससे हमें भी कुछ सीखने को मिले अपने देखने वालों को सीखने के लिए मिले अकेला पैसे कमाने के लिए आप आओगे तो मैंने बहुत सारे ऐसे आदमी देखे हैं जो छः महीने वीडियो बनाते हैं और सातवें पता ही नहीं चलता काम में हो डेडिकेशन बहुत जरूरी है बात करते हैं फिर कमाई पे आते हैं जब आपकी पहली इनकम आई यूट्यूब से तो किस किस को बताया आपने घर में उससे पहले भी मैं डेयरी फार्म का काम अपना ठीक ठाक कर रहा था लेकिन देखो परेशानियाँ डेयरी फार्म के काम में बहुत सारी आती हैं बताने वाला तो सारे घर वालों को तो पता ही था रिश्तेदारों को तो पता नहीं मेरे ख्याल से कुछ लोगों को पता होगा बाकी गांव में ज़्यादा मेरे बारे में आज भी अगर बात करोगे मैं पहले मेडिकल स्टोर करता था दस साल मैंने गांव में चलाया तो शायद मेरे गांव में डेयरी

अलग होती तो उद्देश्य उस, उस जो जो नहीं, अच्छा नहीं, नहीं होना चाहिए पैसा तो अपने आप आएगा लगन से काम करो किसी भी कोई भी भाई वीडियो देख रहे हैं कोई भी काम करते हैं ना लगन से अपने काम अपने काम के मास्टर बनेगा ना कोई आदमी उसको सिरे तक लेके जाओ अगर आप वीडियो डालते हो तो जिस कंटे जो कंटेंट आप डाल रहे हो उसके ऊपर आपकी इतनी पकड़ होनी चाहिए कि पूरे इंडिया में आपसे बढ़िया उस कंटेंट पे बात करने वाला कोई नहीं हो अगर भैंस की बात करें तो आप जैसे हम भैंस का भी बिजनेस करते हैं दूध बेचने का आज मेरे गांव में मेरे ख्याल से सत्तर रुपये किलो दूध कोई नहीं बेचता हमारे घर से बिक के जाता है सत्तर किलो सत्तर रुपये किलो दूध उसका कारण ये हम अच्छी डाइट देते हैं कभी पानी के नज़दीक में नहीं जाते दूध में पानी नहीं मिलाते जो भी काम करो दिल से करो पूरे डेडिकेशन के साथ करो पैसे पैसे तो आनी जानी चीज़ है आते रहेंगे जाते रहेंगे पशुपालन विभाग ऐसा काम है कि गाँव में ना इसको लोग कहते हैं कि यार क्या कर रहा है डेयरी फार्म खोल रखा है आ, लो लेवल मानते हैं हालांकि पैसे उनको पता नहीं है कितने इससे जा सकते हैं अगर अच्छे दिमाग लगा के इस काम को करें तो तो स्टार्टिंग में जब आपने डेयरी फार्म खोला तेरह साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं तो उस टाइम सबका क्या रिएक्शन था क्या डेयरी फार्म खोलेगा क्या, क्या करेगा सारी फैमिली मेरी उस चीज़ के खिलाफ थी कि गाँव में बढ़िया मेडिकल स्टोर चलता था अच्छी लगभग चालीस पचास हजार महीने के मैं कमाता भी था तो इस लाइन में आके आज से दस साल बारह साल पहले चालीस पचास हजार रुपये महीने का माना बहुत बड़ी बात थी और उस फैसले को छोड़ के मतलब उस काम को छोड़ के एक नया काम शुरू करना बहुत ज्यादा माइंड का काम है तो कैसे संभाला आपने शुरू में दो तीन साल काफी काफी ऐसे रहे कि बहुत संघर्ष वाला काम रहा जिसमें मैं कहूँगा मेरे फ़ादर साहब ने मेरी माँ ने मेरी घरवाली ने बड़ा मेरे साथ पूरा सपोर्ट किया इस काम में जब मान के चलो कष्ट का समय होता है ना संघर्ष का समय होता है और जब उस टाइम पे आपके अगर कोई क्लोज पर्सन ना हो फैमिली ना हो तो सबसे ज़रूरी है कि फ़ैमिली को भी साथ आदमी को रखना चाहिए लेकिन डेयरी करने का फ़ैसला मेरा अकेले का था लेकिन जब मेरा संघर्ष का समय था तो मेरे घरवालों ने मेरी पूरी मदद की और आज मैं मान के चलो घरवालों की तरफ से मैं चाहे एक हफ्ता भी घर ना हूँ तो कभी भी मेरे को पीछे से ये नहीं होता कि मेरा काम ये रुक गया वो रुक गया जैसे अभी डेयरी फार्म का मेरा काम है इसमें भाई है मेरा बड़ा सुभाष वो पार्टनर है तो चाहे मैं एक महीना भी ना हूँ तो भी मेरा काम चलता रहता है घर वालों का साथ रखना बहुत ज़रूरी है संघर्ष करना जरूरी है और जब तक देखो आदमी कोई नया काम करेगा और उसमें बिना उसको कष्ट सही अगर उसको कामयाबी मिल जाएगी तो उसको उस चीज़ की वैल्यू का नहीं पता होगा एक बुरा टाइम भी आना जरूरी है किसी भी धंधे में घर वालों ने आपका बहुत साथ दिया क्या होता है कि जब घर वाले साथ नहीं होता ना किसी किसी भी फैसले पे तो उस काम को करना बड़ा कठिन होता है लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि घर वालों को लगता है कि हाँ यार अब कर तो लिया है। चलो साथ ही दे देते हैं ऐसा था या एक्चुअल में स्पोर्ट में थे घर वाले नहीं एक्चुअल में स्पोर्ट में थे। तो इतने बड़े काम को संभालने के लिए एक टीम की जरूरत होती है टीम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी चीज होती है अगर हम बिजनेस को इलाज करते हैं बिजनेस को बढ़ाते हैं अपना तो टीम को मैनेज करने में कितनी मुश्किलें आई और कैसे अपने टीम को मैनेज किया स्टार्टिंग टीम को मैनेज करने की कोई मुश्किल नहीं है मैं आपको एक बात बताता हूँ हर काम में अपने इतना तसली वाला आदमी रखो उसके ऊपर पूरा बोझ डाल दो भाई तेरे को ही संभालना है तेरे को ही करना है अपने को मेहनत नहीं करनी पड़ती मेरे पास जैसे काम करने वाले आदमी अभी डेयरी पे पहले तो सात आठ रहते थे जब बुल वगैरह भी इधर होते थे फिर अभी फिलहाल एक दो एक दो रहते हैं तो जो मेरे काम करने वाले आदमी हैं वो भी जब भी बिहार से उत्तर प्रदेश से यहाँ आते हैं तो सबसे पहले मेरे को ही फ़ोन आता है जी हम आ गए आपके पास जगह है तो आपके पास आ जाएं तो वो भी अपना समझ के काम करते हैं कोई मेरा बिजनेस पार्टनर है वो भी उसका घर को मैं उसका घर उसके उसके घर को मैं अपना मानता हूँ मेरे घर को वो अपना मानता है ऐसा ही मेरा सीमन स्टेशन का काम है जितने भी मेरे काम करने वाले आदमी हैं सभी ये मानते हैं कि ये इस कंपनी का काम नहीं है ये खुद हमारा ही काम है तो कोई बड़ लंबी अभी, अभी, अभी कितने है। में आपकी टीम में अभी सीमन स्टेशन पे हमारे पास बीस आदमी है यहाँ लगभग दो तीन दो तीन आदमी रहते हैं तो यहाँ जो सर का काम संभालते हैं एक हमारे साथ भाई मैं कहूँगा एक बार कैमरे पे आए इधर आ जाओ आ जाओ बंटो तो ये भाई हैं जो अभी पशुपालन भाई यहाँ जो भैंसों का काम संभालते हैं क्या नाम आपका मंटू कुमार मंटू कुमार कहाँ से बिहार से बिहार से कैसा लग रहा है यहां पे काम करके ठीक लगता है क्या क्या काम करते हो या भैंस का काम है खिलाते पिलाते हैं दूध निकालते हैं अच्छा सर का बिहेवियर कैसा मतलब आपका व्यवहार कैसा करते हैं अच्छा अच्छा व्यवहार है हाँ। ऐसा काम का प्रसर तो देते बहुत ज्यादा नहीं नहीं देते ना चलो धन्यवाद प्रेशर प्रेसर की तो बात बहुत दूर है भाई मैं तो ये भी नहीं पूछता भाई तुम क्या करते हो क्या नहीं करते कभी मेरे को कोई आदमी गलत काम करने वाला भी कोई मिल जाता है मोस्टली अब है न बारह तेरह साल में फिल्टर हो चुके हैं आदमी ये पता चल चुका है कौन अच्छा है कौन गलत है कौन सही है तो पहली बात तो गलत आदमी कोई नज़दीक आता ही नहीं है गलत आदमी तो डेली की दिनचर्या में भी कोई गलत आदमी के साथ अपना संपर्क नहीं होता सबको पता है कि इसका क्या व्यवहार है और बाई चांस कभी कोई गलत आदमी आ गया तो पाँच दस दिन से ज़्यादा अपने पास रुकेगा नहीं यूट्यूब से आज तक की आज तक की इनकम कितनी हो चुकी है क्योंकि लोगों को पता है कि बारह बार तेरह तेरह मिलियन व्यूज स्टार्टिंग में आए हैं अभी इतने व्यू नहीं आते क्योंकि आप फेस यूट्यूब पर काम करना बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा काम कर दिया तो अगर हम टोटल इनकम की बात करें ओनली यूट्यूब से तो लगभग कितने हो चुके हो कभी देखी नहीं कभी नहीं देखी बाकी बहुत सारी आ चुकी है अगर एक नॉर्मल इंसान अभी यूट्यूब स्टार्ट करना चाहे कोई भी कंटेंट लेकर आना चाहे तो क्या राय दोगे उसको आए जरूर लेकिन एक आजकल मोटिव रह गया अकेला पैसे कमाने का वो सबसे गलत काम है मोटिव होना चाहिए मैं जैसा कि पहले भी बताया कि जिस भी कंटेंट पे आप काम करते हो आप इंडिया में उसके एक नंबर पे होने चाहिए वो आदमी आज के दिन सक्सेसफुल है बीच बिचारे वाले आदमी तो है ना मैं पिछले दो तीन साल से देख रहा हूँ छः महीने काम करके हट जाते हैं फिर हट जाते हैं फिर हट जाते हैं थोड़े दिन के बाद ऐसा आएगा जैसे शुरू में शुरू हुआ था ना कि भाई कोई चार पांच आदमी होते थे एक लाइन में बहुत अच्छा काम करने वाले तो फ्यूचर में भी चार पांच की जगह दस बीस रह जाएंगे हज़ारों की संख्या है ना दूर हट जाएगी क्योंकि लोगों को लगता है पता नहीं यूट्यूब से का क्या कमाई होती होगी अभी मेरे पास मान के चलो जितने मैं YouTube से कमाता हूँ उतने लगभग YouTube पे काम करने वाले जो मेरा काम संभालते हैं चाहे वो चैनल संभालने का काम है चाहे एडिटिंग वाला काम है तो मैं उन्हीं को वो मेरे लगभग चले जाते हैं इतना ही आते हैं आजकल बहुत कम आते हैं तो कमाई कमुरी का कुछ नहीं है जो आदमी आता है वो डेडिकेशन के साथ आए और अपने फील्ड का मास्टर आदमी आना चाहिए ये देखिए दोस्तों आपने भाई की वीडियो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ना बहुत सारा मोटिवेशन मिला होगा मेरा मोटिव एक ही है आप लोगों को ऐसी वीडियो दिखाना इतनी दूर आना मोटिवेशन मतलब जो मेरा उद्देश्य है वो एक ही है कि आप कुछ ना कुछ मोटिवेशन जरूर लें जिन जिन जिनका मैं इंटरव्यू लेता हूँ कि कैसे उन्होंने अपने काम को कोर्ज किया कैसे अपने काम को ऑनलाइन लेके आए और अपने बिजनेस को बड़ा किया लास्ट में अपने प्यार दोस्तों क्या कहना चाहूँगा भाई सबसे पहले तो राहुल भाई आप आसन से मेरे ख्याल से एक सौ सौ किलोमीटर पड़ता है चलो ये भी बहुत अच्छा आप दिखा रहे हो अर्निंग वगैरह इसमें तो मेरे हिसाब से तो जिस हिसाब से चैनल चलते हैं एक दिखाने का ही है भाई लोगों तक अच्छी चीज़ जानी चाहिए तो यही आपका मकसद है बहुत अच्छी चीज़ लेके आ रहे हो और दूसरी बात जो भाई वीडियो देख रहे हैं ना जिस भी फील्ड में वो भाई काम करते हैं उस फील्ड में डेडिकेशन के साथ काम करें अपना जो सर्कल है फैमिली है उसको बिल्कुल अपने साथ लेके चलें ऐसा नहीं है कि काम धंधे में आप कामयाब हो गए माँ को बाप को भाई बहनों को परिवार को जब अपने सर्कल की बात आ जाती है तो खुद का परिवार साथ में जो फैमिली है जो अपने बूढ़े बड़े बूढ़े कहते थे हमारा कुणबा तो आदमी हर तरह से मजबूत होगा ना वही आदमी फील्ड में कामयाब होगा तो यही है जब भी काम करें दिल लगा के करें और सारे सबको साथ लेके चले मेंटली तौर पे आप अगर संतुष्ट होना चाहोगे तो हर टाइप से ही संतुष्ट होना पड़ेगा धंधे की तरफ से नहीं फैमिली से भी संतुष्ट होना पड़ेगा परिवार से भी संतुष्ट होना पड़ेगा बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी आपका इतना कीमती टाइम देने के लिए और दर्शकों आपको ये वीडियो कैसी लगी अगर आपको मोटिवेशन मिला तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो और सर के बारे में जो आपने सुना पहले और अभी इंटरव्यू देख के आपको कैसा लगा क्या फील हुआ उसके बारे में नीचे कमेंट कर सकते हो वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छी लगे तो शेयर कर देना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए राम राम जय हिंद नमस्कार